हमारा आकाशीय पड़ोसी मंगल ग्रह हजारों सालों से इंसानों को अपनी तरफ खींचता रहा है। इसका लाल रंग जो हमें बिना दूरबीन के भी दिखाई देता है ने कई कहानियों और किंवदंतियों को जन्म दिया है। आज मंगल ग्रह अंतरिक्ष में हमारे अन्वेषण के अगले बड़े पड़ाव को दर्शाता है। यह एक ऐसा ग्रह है जो धरती के अलावा जीवन की संभावना को छुपाए हुए है। यह संभावना चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो हमें लाल ग्रह के रहस्य सुलझाने के लिए प्रेरित करती है। सदियों से दूरबीनों ने हमें इस अनजानी दुनिया की झलक दिखाई है। हमने इसकी ध्रुवीय बर्फ की चोटियों, बदलते मौसमों और विशाल उजाड़ परिदृश्यों को देखा है। इन शुरुआती अवलोकनों ने हमारी कल्पना को बढ़ावा दिया और जानने की इच्छा को जगाया। आज शक्तिशाली रोबोटिक एक्सप्लोरर मंगल की सतह पर घूम रहे हैं और जानकारी का खजाना वापस भेज रहे हैं। वे मंगल ग्रह पर हमारी आंखें और कान हैं जो ग्रह के इतिहास को जोड़ रहे हैं और अतीत या वर्तमान जीवन के संकेतों की खोज कर रहे हैं। धरती के अलावा जीवन की खोज एक मौलिक मानवीय प्रयास है। यह ब्रह्मांड में हमारे स्थान और खुद अस्तित्व की प्रकृति के बारे में सवाल सिर्फ यह नहीं है कि क्या मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है, यह उन परिस्थितियों को समझने के बारे में है जो जीवन को जन्म देती है। और क्या वे परिस्थितियां केवल पृथ्वी के लिए अद्वितीय है या पूरे ब्रह्मांड में आम है? मंगल एक कठोर और क्षमा न करने वाला वातावरण प्रस्तुत करता है। इसका पतला वायुमंडल जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है अंतरिक्ष से आने वाले कठोर विकिरण से बहुत कम सुरक्षा प्रदान करता है। तापमान बेतहाशा उतार चढ़ाव करता है। रात में हिमांक बिंदु से काफी नीचे गिर जाता है और दिन के दौरान हिमांक बिंदु से मुश्किल से ऊपर उठता है। धूल भरी आंधियां जिनमें से कुछ पूरे ग्रह में फैली हुई हैं महीनों तक चल सकती है, सूरज को ढंक सकती है और सतह को घुटन वाली धुंध में लपेट सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि जीवन के लिए आवश्यक तरल पानी सतह पर काफी हद तक अनुपस्थित है। मंगल की सतह पर सूरज से हानिकारक पराबैंगनी विकिरण भी बमबारी करता है। यह विकिरण एक पर्याप्त वातावरण द्वारा फिल्टर नहीं किया गया जैविक अणुओं को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे सतह पर जीवन का अस्तित्व एक कठिन संभावना बन जाता है। इन चुनौतियों के बावजूद वैज्ञानिक आशावादी बने हुए हैं। जीवन जैसा कि हमने पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल से सीखा है सबसे अप्रत्याशित स्थानों पर भी पनप सकता है। अतीत और वर्तमान दोनों तरह के जीवन की खोज अक्सर पानी से शुरू होती है। पानी सभी ज्ञात जीवन रूपों के लिए आवश्यक है। बायोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के लिए एक विलायक के रूप में कार्य करता है और सेलुलर प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सबूत बताते हैं कि मंगल कभी आज की तुलना में बहुत गर्म और गीला ग्रह था। अरबों साल पहले विशाल महासागरों ने इसकी सतह को ढंक लिया होगा और नदियों ने घाटियों और घाटियों के जटिल नेटवर्क को उकेरा होगा जिन्हें हम आज देखते हैं। जबकि आज सतह पर तरल पानी दुर्लभ है सबूत बताते हैं कि यह सतह के नीचे बर्फ के रूप में और शायद नमकीन जलभृत के रूप में भी मौजूद है। ये उपसतह जलाशय कठोर सतह की स्थिति से सुरक्षित संभावित रूप से सूक्ष्म जीवन को आश्रय दे सकते हैं। मंगल ग्रह पर पानी की खोज पृथ्वी के अलावा जीवन की खोज में सबसे सम्मोहक सबूतों में से एक रही है। भाग 4, मीथेन रहस्य। क्या मंगल ग्रह पर जीवन के संकेत हैं? मीथेन एक साधारण कार्बनिक अणु मंगल के वातावरण में पाया गया है। यह खोज महत्वपूर्ण है क्योंकि मीथेन जैविक प्रक्रियाओं का एक उपोत्पाद हो सकता है जैसे कि कुछ प्रकार के बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। पृथ्वी पर अधिकांश मीथेन जीवित जीवों द्वारा उत्पन्न होता है जबकि मीथेन भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। मंगल ग्रह पर इसकी उपस्थिति दिलचस्प संभावनाएं उठाती है। गेल क्रेटर की खोज कर रहे क्यूरियोसिटी रोवर ने मीथेन के स्तर में मौसमी उतार चढ़ाव को देखा है जो सतह पर या उसके पास एक सक्रिय स्रोत का सुझाव देता है। इन निष्कर्षों ने मंगल की सतह के नीचे मौजूद सूक्ष्म जीवन की संभावना के बारे में अटकलों को ईंधन दिया है। संभवतः उनके चयापचय के उपोत्पाद के रूप में मीथेन को मुक्त करना। इस मंगल ग्रह के मीथेन का स्रोत एक रहस्य बना हुआ है लेकिन इसकी उपस्थिति जीवन की खोज में एक तांत्रिक सुराग है। भाग 5, मंगल ग्रह की चट्टाने। सुदूर अतीत से फुसफुसाहट, उल्कापिंड
प्राचीन प्रभावों से मंगल की सतह से उड़ी चट्टान के टुकड़े पृथ्वी पर उतरे हैं। ये मंगल ग्रह के उल्कापिंड लाल ग्रह के सुदूर अतीत में एक अनोखी खिड़की प्रदान करते हैं। इनमें से कुछ उल्कापिंडों में दिलचस्प विशेषताएं हैं जो जीवाश्म सूक्ष्म जीवों जैसी दिखती हैं, जबकि वैज्ञानिक समुदाय के भीतर इन विशेषताओं की व्याख्या पर अभी भी बहस हो रही है। वे इस संभावना में एक झलक पेश करते हैं कि अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद रहा। इन मंगल ग्रह के उल्कापिंडों का विश्लेषण करने से वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह की चट्टानों की संरचना का अध्ययन करने और रासायनिक हस्ताक्षरों की खोज करने की अनुमति मिलती है जो पिछले जीवन का संकेत दे सकते हैं। ये चट्टानें ऐसे समय में बनी हैं जब मंगल ग्रह जीवन के लिए अधिक मेहमान नवाज रहा होगा। ग्रह की जैविक क्षमता को समझने की कुंजी रख सकता है। मंगल ग्रह के उल्कापिंडों का अध्ययन ग्रह के इतिहास और इस संभावना के बारे में बहुमूल्य सुराग प्रदान करता है कि जीवन कभी वहां मौजूद रहा होगा। भाग 6, रोबोटिक पायनियर्स, लाल ग्रह की खोज। आज रोबोटिक खोजकर्ताओं का एक बेड़ा मंगल की सतह पर घूम रहा है जो अमूल्य डेटा वापस भेज रहा है जो लाल ग्रह के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर परिष्कृत उपकरणों के अपने सूट के साथ 2012 से गैलेक्सी की खोज कर रहा है। चट्टान के नमूनों का विश्लेषण कर रहा है, वातावरण का अध्ययन कर रहा है और पिछली आदत के संकेतों की खोज कर रहा है। पर्सिवरेंस रोवर जो 2021 में उतरा था, जेजेरो क्रेटर में प्राचीन जीवन के संकेतों की खोज कर रहा है, एक ऐसा स्थान जिसे माना जाता है कि कभी एक झील थी। ये भविष्य के मिशनों द्वारा पृथ्वी पर वापस लौटने के लिए चट्टान और मिट्टी के नमूने भी एकत्र कर रहा है। ये रोवर ग्रह की परिक्रमा करने वाले ऑर्बिटर्स के साथ मंगल के भूविज्ञान, जलवायु और जीवन की क्षमता पर एक अभूतपूर्व नजर प्रदान कर रही है। उनकी खोजें भविष्य के मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर रही है जिसमें लाल ग्रह का स्वयं अन्वेषण करने के लिए मनुष्यों को भेजने की संभावना भी शामिल है।